हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? ठीक ठाक होप करता हूँ फ्रेंड्स आप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि लाइन एंड लैंडलाइन फ़ोन में जो एक बहुत ही कॉमन फॉल्ट आता है उससे रिलेटेड है। आपने कभी भी सोचा होगा कि जिस तरह ये लैंडलाइन फ़ोन है तो इसमें मतलब बाकी तो सारी चीज़ें मतलब फिक्स हैं, लेकिन एक ही जो चीज़ में यूज़ होती है ना, वो है इसका स्विच है। तो जब भी हम कोई नया फ़ोन लेते हैं उसमें क्या होता है कि 1 साल के बाद, 6 मंथ के बाद, मतलब अकॉर्डिंग टू डस्ट, जिस एरिया में ज़्यादा डस्ट होगी उस एरिया में ज़्यादा ये फॉल्ट आएगा। तो 1 महीने के, 1 साल के बाद या 2 साल के बाद क्या होता है कि जैसे कि मतलब हम ये रिसीवर उठाएंगे तो हम जहाँ से जब बात करने, रिसीवर से जब बात करने लगेंगे, तो साथ में ही क्या होता है कि बेस यूनिट भी ऑन हो जाती है। हम हैंडसेट से भी बात करते हैं और लेकिन क्या होता है कि वो बेस यूनिट में भी हमारी पूरी आवाज़ जो होती है वो, क्योंकि हमने जो भी टेलीफोन पे बात करनी होती है लाइन फोन पे कॉन्फिडेंशियल बात होती है, तो क्या होता है कि फैमिली में या आगे पीछे हम जो भी बात करेंगे तो वो दूसरा इंसान भी सुनेगा। और जैसे ही हम फ़ोन कट करेंगे फ़ोन कट हो जाएगा, और जैसे ही इसको ऑन करेंगे साथ में स्पीकर फोन भी ऑन हो जाएगा। ये जो मेरा फॉल्ट है, ये इससे रिलेटेड फॉल्ट है। तो आपको मैं अब बताऊंगा कि अगर ये जैसे ही हम रिसीवर उठाते हैं साथ में ही स्पीकर फोन ऑन हो जाए, उसमें अगर ये फॉल्ट अगर आए तो आपको ये घर बैठ के ये फॉल्ट कैसे ठीक करना है। ये जो फॉल्ट है, किसी भी BSNL का फ़ोन हो, बीतल कंपनी का फ़ोन हो, आर्पिट कंपनी का फ़ोन हो, कोई भी लैंडलाइन फ़ोन हो जिसमें कि ये स्विच लगा हो, उसमें ये फॉल्ट 1 ईयर के या 2 महीने के बाद ये फॉल्ट आना ही आना है। अगर आपको ये फॉल्ट आ जाए तो आपको ये घर पे ये फॉल्ट कैसे ठीक करना है, ये मेरी आज की वीडियो इस पे है। आपको क्या करना है, सबसे पहले उसके स्क्रू ड्राइवर, आपके जो भी नट्स हैं पीछे, तो वो आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से अपने जो 4 नट्स लगे होते हैं हर फोन में, वो खोल लीजिए। उसके बाद क्या होता है कि लॉक सिस्टम होता है यहाँ पे, आप लॉक सिस्टम भी पेच का स्क्रू ड्राइवर बीच में अड़ाइए और इसको खोल लीजिए। उसके बाद ईजिली आप क्या करेंगे कि ये आपकी मदद के लिए, जी मैं पहले ही 2 लाइन फ़ोन खोल चुका हूँ, उसके बाद आप इसकी जो प्लेट है वो आप खोल लीजिए। ये एक चाइनीज़ फ़ोन है, ये एक बीतल का फ़ोन है, हर फ़ोन में ये फॉल्ट आता है। उसके बाद आपको ये जो फॉल्ट रिपेयर करने के लिए आपको जो मेन प्रोडक्ट्स की यूज़ होगी वो आप एक सैनिटाइज़र ले लीजिए, एक कॉटन ले लीजिए और स्क्रू ड्राइवर जिससे आपने ये खोला हुआ है तो आप ले लीजिए। अब आपको मैं बताता हूँ ये कैसे यूज़ करना है। ये जो फॉल्ट है इसमें क्या है कि आप जो आपकी ये बार वायर है, हैंडसेट वायर है, ये जो फॉल्ट है इसमें कि आप अगर जब ये आपकी जो रिसीवर लीड है आप ये भी चेंज कर लेते हैं और आपकी जो मेन लीड है आप ये भी चेंज कर लेते हैं, फिर भी क्या होता है कि फ़ोन में जो डिस्टर्बेंस है वो नहीं जाती। ये फॉल्ट इससे रिलेटेड भी, अगर आपके जो लाइन फ़ोन है उसमें डिस्टर्बेंस रह रही है, जो दूसरी पार्टी में जब आप बात कर रहे हैं वो कह रहा है कि डिस्टर्बेंस बहुत है, तो इससे रिलेटेड भी ये फॉल्ट है। आपको क्या करना है, जब आपने इसका प्लेट भी खोली, बहुत आराम से आप प्लेट खोल लीजिए कि ध्यान रखिए कि कोई इसकी वायर वगैरह ब्रेक नहीं हो। उसके बाद क्या करना है, आपको बहुत ही आराम से जहाँ पे कट लगा होता है ये ना, जहाँ पे ये कैप होती है स्विच की, कैप होती है, तो ये कैप आपको खोलनी है। उसके लिए आपको क्या करना है इजीली कि जहाँ से स्क्रू ड्राइवर आप उड़ाइए, प्रेस कीजिए और इधर से आप क्या ऐसे करेंगे, नीचे से आप प्रेस करेंगे तो इसकी जो कैप है ये कैप निकल आएगी। ये देखिए इसकी कैप निकल आई, लेकिन आपने जब कैप निकालनी है ये नहीं है कि आप इस स्विच को आप छोड़ दीजिए, और जैसे आप इसको अगर छोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये सारा स्विच ही बिखर जाएगा, उसके बाद ये ठीक नहीं होगा। उस आपको क्या करना है, स्विच प्रेस करके आपको इसकी कैप निकालनी है। कैप निकालने के बाद ये जो इसका अंदर का सिस्टम है, क्या होता है कि इधर डस्टर, क्योंकि पूरा फ़ोन है, कोई भी पार्ट इसमें मैन्युअली यूज़ नहीं हो रहा है, सिर्फ एक जो ये स्विच है ये मैन्युअली यूज़ हो रहा है। आपको क्या करना है इसके बाद कि आप सैनिटाइज़र लीजिए, उसके बाद सैनिटाइज़र लीजिए, हल्का ये सैनिटाइज़र आप कार्टन को लगाइए, तो उसके बाद क्या कीजिए आप इधर से इस स्विच को अच्छे से साफ़ कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि ये जो कार्टन है ये बीच में रहना नहीं चाहिए। उसके बाद जो है इसको आप ब्रश की मदद से भी सैनिटाइज़र लगा
लगा सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है आप पेट्रोल का यूज़ नहीं कीजिए, अगर पेट्रोल का यूज़ करेंगे तो ये स्विच है ये मेल्ट हो जाएगा। किसी भी प्लास्टिक प्रोडक्ट में कभी भी आप पेट्रोल का यूज़ मत कीजिए। उसके बाद जो है इसको आपने अंदर का जो सिस्टम है आराम से पूरा इसका क्लीन करना है। आप स्क्रू ड्राइवर्स की मदद से जो इसका स्विच जो यूज़ हो रहा है ऊपर नीचे जा रहा है इसका सिस्टम, आप इसको क्लीन कर लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा ये कार्टन लेके सैनिटाइजर इसमें लगाया है, आप इसको अच्छी तरह से इस स्विच को साफ़ कीजिए कि जो भी इसमें डस्ट वगैरह है, थोड़ा टाइम लगाइए इसको, आप जो भी इसमें डस्ट है सैनिटाइजर दोबारा से लगा लीजिए। उसके बाद जिस पोजीशन में मतलब ये स्विच आपने खोला था दोबारा से आप इसको करेंगे, तार वगैरह को ही इसको पीछे कर लीजिए। जब स्विच आप प्रेस करेंगे तो देखिए ये स्विच दोबारा से काम करने लगा। अब मैं आपको दूसरा, ये तो इस तरह का स्विच है, अगर इस ये मैंने दूसरा बीतल का फोन भी खोला हुआ, इसमें भी सेम ही स्विच लगा हुआ है। ये भी मैं आपको खोल के बताऊंगा इसमें आपको क्या करना है। इसको भी आप इस तरह कीजिए कि स्विच प्रेस कर लीजिए, पहले इस तरह फिंगर से आप अपनी स्विच प्रेस कर लीजिए, उसके बाद ये लॉक सिस्टम लगा हुआ है, आप जैसे ही इसको करेंगे तो ये लॉक खुल जाएगा। लेकिन आप स्विच ये प्रेस करके रखिए, ये ऊपर नहीं आना चाहिए, जैसे ही अगर ये पूरा ऊपर आएगा तो ये पूरा खुल जाएगा, तो आप इसको प्रेस करके रखिए। ये इसकी कैप निकल गई, कैप नीचे रख दीजिए, वो कॉटन की या ब्रश की कैस यूज़ करके आप इसको जो अंदर का इसका सिस्टम है इसमें जो सिस्टम है ये जहाँ पे इसका सिस्टम है, तो आपने यहाँ से इसका ना यहाँ से ये देखिए इस पर कार्बन आया हुआ है, आप पूरा ब्रश से इसको अच्छी तरह से इनका जो ना साफ़ कर लीजिए। इससे साफ़ करने से क्या होगा, ये स्पीकर फ़ोन आपका कॉल करते ही स्पीकर फ़ोन ऑन हो रहा है वो वाला फॉल्ट भी, और जो जो डिस्टर्बेंस हो रही है वो वाला फॉल्ट भी रिमूव हो जाएगा। उसके बाद इजीली आप इस स्विच को दोबारा से कनेक्ट कर सकते हैं। आप इसको कैप ऊपर से लगा के इसको प्रेस कीजिए और जब लॉक की आवाज़ आएगी देखिए ये स्विच आराम से काम कर रहा है। तो अगर डिस्टरबेंस आ रही है तो आप स्विच को क्लीन कीजिए या हैंडसेट जो रिसीवर है जे चेंज कीजिए। होप करता हूँ फ्रेंड आपको ये मेरे जो आज समझाने का तरीका है पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये समझाने का तरीका पसंद आया तो प्लीज़ 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 मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।